अस्सलाम वालेकुम, मैं हुक्या अहमद, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं जा रहा हूँ कॉर्निश फीफा वर्ल्ड कप का मैच देखने, और बस का इंतज़ार कर रहा था, बस मिली नहीं। उसके बाद टैक्सी का वेट किया, टैक्सी भी नहीं मिली। फिर एक भाई मिले जो कि ये हैं, क्या नाम आपका? मुनीर। मुनीर नाम है, केरला से हैं। तो ये मिले हैं और ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। कह रहे हैं बहुत भीड़ है, देखा जाएगा जितनी भीड़ होगी। तो बच गए हैं 5 यहीं पर, 6:30 बजे से मैच शुरू होना है। तो फिलहाल उसका टिकट तो नहीं मिल पाया है, इस वजह से कॉर्निश का ही मज़ा ले लेते हैं। वैसे आज कतर का नेशनल डे भी है, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ हो चुकी है और सारी पब्लिक उधरी जा रही है। तो फिर अब रास्ते का व्यू देखें और आपको दिखाते हैं आगे। देखा तो खुश हो जाएगा कि लोग मेरी वीडियो बना रहे हैं। वो रहा मेट्रो स्टेशन। तो जो आपने देखा था अभी, वो यहाँ का बस स्टेशन था और मेट्रो स्टेशन ये है। तो भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त है कि मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया कुछ देर के लिए। वो इसलिए बंद किया गया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज कतर का नेशनल डे भी था और प्लस आज फीफा का वर्ल्ड कप फाइनल भी है, जिसकी वजह से बहुत भीड़ हो चुकी है। तो हम भी उसी लाइन में ही लगेंगे अब, तो हम मेट्रो से निकल रहे हैं। किधर से जाऊं मैं भैया? देख सकते हैं आप किधर किधर से जाना पड़ रहा है, बहुत लाइन घूम घूम के जानी पड़ रही है। तो अब आप बैक कैमरे से देखें, कह रहे हैं कि पुलिस वाले हैं, वो कह रहे हैं कि 3 लाइन आप बनाइए, 3 लाइन बनाएंगे तो ही हम आपको एंट्री देंगे लोग। लेकिन यहाँ पे 3 लाइन बनाएंगे तो बहुत लंबी लाइन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। और अभी मैं अलवकरा के मेट्रो स्टेशन के बाहर हूँ, एंट्री नहीं मिल रही है, बसें भी नहीं जा पा रही हैं, बसों को भी एक तरीके से रोक दिया गया है। आज कुछ ज़्यादा हो गया है, नेशनल डे था कतर का प्लस फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो गई, बहुत ज़बरदस्त। और मैच भी बस शुरू होने वाला है, खैर अब देखते हैं क्या होता है, जाना तो है, चाहे 12 बजे तक यहाँ खड़ा रहना पड़े। वैसे भी कोई गाड़ी वगैरह भी लेकर नहीं जा रही, कार वगैरह नहीं, यहीं मज़े लेते हैं फिर। तो गाइस फाइनली बड़ी मुश्किल के बाद हम इंटर हो चुके हैं मेट्रो स्टेशन में, आप देख सकते हैं। यह है कतर का मेट्रो स्टेशन मखरा का, और अब हम जा रहे हैं मेट्रो की तरफ। मेरे ख्याल से आज के मेट्रो को फ्री कर दिया गया इतनी भीड़ को देख के, क्योंकि यहाँ पे वो जो लगाया जाता है ना, वो खुलते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। और ये मैं एंट्री कर रहा हूँ, Thank you.
क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं है, काफ़ी सही है, तो मैं खड़ा रह सकता हूँ, कोई मसला नहीं, यहाँ बैठने की هذا محتاج لك واحنا ما شفنا شيء اسمع احنا ما ندري ما ندري ما ندري ما الانترنت ثقيل يا حبيبي ما ندري ما ندري اه والله لا على الله قول 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 هذه إعادة هذه إعادة هذه إعادة جراحة की गलियों में से होते हुए आप देख सकते हैं जिस तरह से तैयारियां की गई हुई हैं यहाँ पे जगह जगह पे, कि जो लोग स्टेडियम नहीं भी जा पाए हैं उनके लिए कोई भी कसर छोड़ी नहीं गई है, वो यहाँ पे इंजॉय फुल मज़ा ले सकते हैं, और पूरी प्रोजेक्टर वगैरह लगाए गए हैं, और भाई ड्रोन वगैरह उड़ रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, बहुत भयंकर सिक्योरिटी है यहाँ पे, और भीड़ तो भाई हद से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं अभी जा रहा हूँ भाई के पास, और वहाँ जब जाऊँगा फिर आपको दिखाऊँगा और वहाँ पे हम क्या करते हैं। तो फिलहाल ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सेल्फी वगैरह यार भले स्टेडियम नहीं जा पाया लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है। ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे छोटा सा पार्क वगैरह, पार्क नहीं है ये, ऐसे ही है रोड साइड किनारे घास वगैरह है, और वो वहाँ पे कुछ म्यूज़िक वगैरह बज रही है। हेलो कहाँ हो? वहीं रह जा, तो जहाँ स्क्रीन सीधे जहाँ दिखा थी वहाँ चले जाओ, ठीक है। तो फ्रांस की तरफ से पहला गोल पड़ा है, मबाप्पे ने मारा है। कैमरे में नहीं आ रहा होगा लेकिन हमें एकदम साफ साफ दिख रहा है, लेकिन वन प्लस धोखा दे रहा है। तो अभी तक लग रहा था कि सब ज़्यादातर सब समर्थक 100% लग रहा था कि सब अर्जेंटीना वाले हैं, जिसमें से अब लग रहा है कि यहाँ 30% फ्रांस वाले भी यहाँ मौजूद हैं। तो फिर वीडियो में बने रहे। अभी दो दो में मैच फंसा हुआ है, बहुत फंसा है।
एक बार में समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन वो बंदे ने अंदर से रोका है भाई। भाई मैच फिर फंस गया है, पेनाल्टी मिल गई फ्रांस को। क्या लगता है क्या होगा? पता नहीं भाई क्या होगा। बस अब लास्ट मैच चल रहा है, अगर इस बार नहीं पड़ा तो भाई फिर अब वही होगा, और तुम मारो और हम मारेंगे, जो जितना ज्यादा मारेगा वो जीतेगा। मैं भाई ना बच बच गया 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 साइड से गया साइड से गया। बस थोड़ा सा और है लेकिन फुल मजा आ रहा है भाई। स्टेडियम में नहीं गया लेकिन उसके बावजूद भी स्टेडियम से ज़्यादा यहाँ भीड़ है, और जबकि कोई फैन फेस्ट नहीं है उसके बावजूद यहाँ पे ये कॉर्निश वाले इलाके में हम बैठे हैं। यहाँ पे टीवियाँ लगी हुई है, उस पर मैच देखते हैं क्या होगा। तो जिस चीज़ का इंतजार था वो आ चुका है, मैच हो गया है, ड्रॉ होने वाली है पेनल्टी, जिसकी ज़्यादा पड़ेगी वो जीतेगा। तो सबसे ऐसी मोड़ पे आ चुका है कि अब अल्फाज नहीं मिल रहे कुछ कहने को भाई। अब आप बस वीडियो देखो, वीडियो हो गया। भाई टॉस हो रहा है, टॉस हो रहा है। कौन जीता? मैसी जीत गया टॉस। भैया पहले ही मारेगा या पता नहीं क्या करेगा। अगर हार गया ये गोल मिस किया ना तो दूसरा भी चांस मिलेगा। तो जैसा कि हम लोग इस टाइम मौजूद थे कॉर्निश में, और खूब बड़ी टीवी लगी हुई थी पीछे, और स्टेडियम से ज्यादा यहाँ पे भीड़ थी, तो जो कि अर्जेंटीना जीत गई है और मजा ही अलग आ गया। मजा आ गया यार, मजा आ गया। स्टेडियम नहीं गए उससे जबरदस्त मजा यहाँ पे लिया है। जो पूछ रहे थे वेयर इज मेस्सी, वो आज घर बदल लिए हैं, कह रहे हैं मेस्सी मेस्सी है भाई। बहुत मजा है, बहुत मजा है, ब्लॉग आएगा पूरा देखिए। तो यहाँ पे बहुत से लोग चले जा चुके हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, और इनके जोश आप देख सकते हैं किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे डांस चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए।
और हम लुजल स्टेडियम के बहुत करीब हैं, वो हम मतलब इस छोर पे हैं, लुजल उस तरफ है, बस इतना फ़र्क है। बैक कैमरे थोड़ा सा आप देखें, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप वहाँ बॉम्ब फूटता हुआ देख रहे हैं, वो लुजल स्टेडियम में थोड़ा जा रहे हैं और उसके इस तरफ हम लोग हैं, आप देख सकते हैं। ये ड्रोन व्यू के थ्रू ये बनाया जा रहा है, ये लुजल स्टेडियम के ऊपर बनाया जा रहा है। भैया आज हालत ख़राब हो गई है, पैर जो है वो जवाब दे गए हैं। और हुआ ये है कि बड़ी मुश्किल से, आपने जो देखा होगा, मैं दिखाऊंगा कि मेट्रो स्टेशन के अंदर मुझे एंट्री मिली थी, उसके बाद बड़ी मुश्किल से किसी ना किसी तरह से करके हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, मैच को देखा, एंजॉय किया, मज़ा किया, काफ़ी चले। उसके बाद फिर जब आना तो हुआ ये कि मेट्रो के बाहर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसकी वजह से उससे ना जाकर हम लोगों ने उबर बुक करने की कोशिश की, लेकिन हम जिस इलाके में थे वो इतना भीड़भाड़ वाला इलाका था, इतनी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ भीड़ थी कि कोई उबर वाले उधर से आ नहीं रहे थे, रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से फिर भाई ने अपने किसी पहचान वाले को कॉल किया, वो कार लेकर आया, लेकिन काफ़ी दूर उनको रोक दिया गया। फिर बड़ी मुश्किल से उन तक हम पहुँचे हैं, फिर रात के इस टाइम बज रहे हैं 1:30 और हालत ख़राब हो चुकी है। फिर भाई मुझे मेरे जगह छोड़े हैं, फिर लेकर गए हैं उधर, तबाही है, लेकिन मज़ा बड़ा आया, सिंपल सी बात, बहुत मज़ा आया। तो कहने की बात ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आए वो बताएं। तो ख्याल रखें, अस्सलामुअलैकुम, बाय बाय।